25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती इंडियन नेशनल लोकदल मनाने जा रही है, लेकिन जननायक जनता पार्टी उनके नाम पर केवल वोट लेती है और अब उनका सम्मान भी भूल गई है और अब पूरी तरह से बीजेपी खत्म हो गई। जिस पार्टी का नाम जननायक हो, जिस पार्टी की मूल आत्मा जननायक हो, जननायक के विचार हो और जिस पार्टी का कार्यकर्ता जननायक की सोच पर हरियाणा की सेवा कर रहा हो, उसके लिए कोई ऐसा कहे तो यह हास्यास्पद है। मैंने पिछले वर्ष आप लोगों से मिलकर के एक बात कही थी जब जींद में इनेलो वालों की रैली थी, सेम प्रश्न उन्होंने मेरे सामने उठाया था और मैं उसका उत्तर भी वही दूंगा जो मैंने पिछले वर्ष दिया। जब तक आदरणीय सम्माननीय हमारे लीडर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, हम उनके सामने उस कैपेसिटी में कोई रैली करें जिसका कंपैरिजन मीडिया के अंदर हो, ये हमें शोभा नहीं देता। किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई कंपैरिजन हो और वो चौटाला साहब के साथ हो, चौटाला साहब उस रैली के मुख्य वक्ता हो और हम कोई रैली करें, ये कहीं से भी हमारे सिद्धांत हमें अलाउ नहीं करते। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी का नाम अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के बराबर है। चौधरी देवीलाल जी के नाम पर अभय सिंह जी जैसा कल कह रहे थे कि वो तो फूल माला पौधारोपण फल फ्रूट बांटेंगे, अभय सिंह जी ये पूछना चाहता हूं आपसे और आपकी राजनीतिक समझ से कि चौधरी देवीलाल के नाम पर अगर कोई फल फ्रूट बांट रहा है क्या आपको परेशानी है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि उनकी मूर्ति पर कोई माल्यार्पण कर रहा है तो आपको परेशानी कोई दिक्कत है क्या? चौधरी देवीलाल अभय सिंह जी आपके और आपकी पार्टी के नहीं हो सकते, वो समूची हिंदुस्तान के हैं और समूची दुनिया में बसने वाले किसान और कमेरे के लीडर हैं, आइडल हैं। वो किसी एक पार्टी के एक व्यक्ति के नहीं हो सकते। उनके नाम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और असम से गुजरात तक जो भी कार्यक्रम हो हम उनको एप्रिशिएट करते हैं। मैं आज एप्रिशिएट करता हूं कि जो फतेहाबाद में वो रैली कर रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के नाम पर, अच्छी बात है।